हेलो नमस्ते दोस्तों, अंजू शर्मा किचन में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बताएंगे आपको पार्लर जैसा ग्लो अपने घर पे ही आसान तरीके से आप कर सकते हैं, वो भी बिन रुपए खर्च किए है। तो अपने चेहरे के लिए फेस पैक आप आसानी से घर पे बना सकते हैं, वो भी हमारी रसोई के जैसे कुछ सामान, बेसिक सामान से। तो आप देख सकते हैं मैंने ले ली है कटोरी, तो मैंने एक कटोरी ले ली है। आप इस तरीके से एक कटोरी ले लीजिए और उसमें फेस पैक बनाने के लिए, तो आप देख सकते हैं मैंने ले लिया गेहूं का आटा। गेहूं के आटे के जैसे हम रोटी बनाते हैं, रोटी बनाने के साथ साथ ही हमारे चेहरे पे एक बहुत ही सुंदर सा ग्लो लाएगा, जैसे चेहरे पे चार चांद लगा दिए गए ये आटा। तो हम जैसे आटे से अपने फेस पैक बना सकते हैं, अरे बहुत ही चेहरे में सुंदरता लाता है आटा, एक अच्छा सा ग्लो बनाता है। ये इसमें कोई केमिकल नहीं होता है, जैसे हमारे घर में ही इस तरीके से फेस पैक बना सकते हैं, इसमें कोई केमिकल नहीं है न कोई मिलावट। तो आप देख सकते हैं ये मैंने ले ली हल्दी। हल्दी तो जैसे चेहरे के लिए वैसे भी अपने शरीर के लिए एक रामबाण है, तो ये आप इस तरीके से चम्मच मैंने ले ली हल्दी थोड़ी सी। तो आटे को और हल्दी को इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। अगर अपने शरीर में हड्डियों में दर्द होता है तो आप गर्म दूध में भी हल्दी मिला के ले सकते हैं, अपने शरीर में बहुत ही आराम मिलेगा। ये मैंने ले लिया आलू। आलू भी हमारे घर में आसानी से मिल जाता है, तो ये ऐसी चीज़ नहीं है आपको जो आपको बाहर से ख़रीदना पड़ेगा। तो आलू से भी हमारे जैसे आँखों के नीचे जैसे काले काले घेरे रहते हैं, वो उसमें भी हटाने में बहुत ही मददगार रहता है। हमारे कील मुहासे होते हैं, उनको भी बहुत ही अच्छे से साफ करता है आलू। तो आप देख सकते हैं आलू को इस तरीके से कद्दूकस कर लेंगे। और हम रसोई में जैसे काम करते हैं कहीं जल जाते हैं, तो आप आलू को काट के लगा लीजिए जहाँ जलते हैं, तो उस वक्त तुरंत उसमें आराम मिलेगा, न तो उसमें जलन होती है और न ही वो जैसे बहुत ही आरामदायक रहता है आलू। तो इस तरीके से इसको कद्दूकस कर लेंगे। तो आप चेहरे पे आलू लगाएंगे तो आपका चेहरे बहुत ही अच्छा निखार आएगा। तो आप जैसे रुपए खर्च करने की भी कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। जैसे आप महंगी महंगी क्रीम खरीदते हैं चेहरे के लिए, तो उसमें थोड़े दिन के लिए तो आपको आराम लगेगा, बाद में वैसे ही आपकी चेहरा काला काला दिखाई देने लगता है। तो इस मैंने आटे में हल्दी में या आलू को इस तरीके से निचोड़ लेगा, इसका रस निकाल लेंगे। तो जैसे महंगी महंगी क्रीम को लगाने के बाद में थोड़े दिन तो आपको आराम लगेगा, आपके चेहरे में बहुत अच्छी चमक आती है, बाद में आपके चेहरा काला होने लगता है, फुंसी होने लगती है, उसमें कोई आराम नहीं लगता है। आप जैसे पार्लर में जाता है तो कुछ दिन के लिए आपके चेहरे पे एक निखार सा रहेगा, बाद में वो चेहरे पे जैसे कालापन आ जाता है, झाइयाँ आ जाती हैं और फुंसी भी होने लगती है, उससे कोई भी आराम नहीं लगता है। तो इस तरीके से आप फेस पैक बनाइए और नहाने से पहले 5 मिनट लगा के इससे आप चेहरा धो सकते हैं नॉर्मल पानी से, और सोने से पहले भी आप लगा सकते हैं, आप जब भी आपको टाइम मिले जब ही आप लगा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने ले लिया एलोवेरा। आपके पास एलोवेरा फ्रेश नहीं है तो आप इसकी जगह जेल भी ले सकते हैं, एलोवेरा जेल। तो इस तरीके से इसको कट कर लेंगे। फ्रेश एलोवेरा चेहरे के लिए बहुत ही फायदेमंद रहता है, इससे चेहरे में बहुत अच्छा निखार आता है, सुंदरता आती है, अरे बिल्कुल कील मुहासे नहीं होने देता है। तो मैंने ले लिया कंघी। इसको मैंने अच्छे से पहले साफ धो लिया था। तो इस तरीके से रगड़ेंगे तो इसका अच्छा सा जेल आ जाएगा, वैसे गुठले बिल्कुल भी नहीं आएंगे। कंघी से आप ज़रूर एक बार इस तरीके से करके देखना, इसका जेल सा होने लगता है। तो इस तरीके से मैंने इसको अच्छे से इसको रगड़ लिया और ये जेल इसका निकाल लेंगे एलोवेरा का। तो इस तरीके से फेस पैक बना के आपके चेहरे पे लगा सकते हैं, इसमें कोई खर्चा नहीं और साथ में आपकी चेहरे की सुंदरता भी बढ़ाएगा। तो आप कहीं शादी पार्टी में जा रहे हो तो आप इस तरीके से फेस पैक बना के आपके चेहरे पे लगा सकते हैं, 5 मिनट में आपको पार्लर जैसा ग्लो आसानी से मिल जाएगा। और साथ में जैसे इसको लगाने के बाद में आपको कोई जैसे कील मुहासे भी नहीं होंगे, नए आपके जैसे चेहरे पे काले दाग धब्बे सब अच्छी तरीके से हट जाते हैं। तो आप देख सकते हैं इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और एक जैसे जेल जैसा इसको बना लेंगे, स्मूथ इसको इससे अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से पेस्ट बना लिया है मैंने। तो ये पेस्ट आप चेहरे पे लगा सकते हैं और चेहरे के साथ साथ आप मैंने डाल दिया शैम्पू। शैम्पू को डालने के बाद में इसको हाथ पैर
पैर पे भी लगा सकते हैं। हाथ पैरों पे जैसे मिट्टी उट्टी जमा रहती है तो वो भी अच्छे से साफ करता है। तो फेस पैक जब मैंने पहले बनाया तो वो चेहरे पे लगा सकते हैं, थोड़ा सा शैम्पू डाल के आप इनको हाथ पैरों पे भी लगा सकते हैं। तो एक फेस पैक में आप दो तरीके से काम ले सकते हैं। तो हाथ पैरों पे जैसे हमारी कोहनियों में या घुटनों में जैसे बहुत ही कालापन रहता है वो अच्छे से साफ करता है। तो आप इस तरीके से फेस पैक बना के एक साथ में आप चेहरे पे भी लगा सकते हैं और हाथ पैरों पे भी लगा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं अच्छे से मिक्स करने के बाद में मैं दिखा रही हूँ, आप हाथ पे इस तरीके से लगा सकते हैं। जैसे सालों की मैल जैसे गंदगी जमी होती है हाथ पैरों पे, वो अच्छे से साफ कर देती है। ये रेमेडी आप जरूर इस तरीके से अपनाएं। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से हाथ की सहायता से इसको अच्छे से रगड़ेंगे ताकि जैसे अच्छे से हमारी जैसे स्किन पे जमी हुई गंदगी अच्छे से साफ हो जाएगी। तो आप इस तरीके से हल्के हाथ से मालिश करिए, मसाज करिए, तो ये मसाज की जैसे मसाज भी होगी साथ में अच्छे से इसको रब करते हुए रगड़ते हुए अच्छे से इसकी गंदगी हाथ पैरों की साफ हो जाएगी। पैरों पे आप लगा सकते हैं, जहाँ भी आपकी गंदगी है शरीर में वहाँ आप लगा सकते हैं। तो मैंने एलोवेरा का टुकड़ा ले लिया, इस तरीके से इसकी मसाज करेंगे। तो आप हाथ पैरों को इस तरीके से लगा सकते हैं तो आपकी जैसे गंदगी अच्छे से साफ होगी, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा इस तरीके से काम लेने से। तो आप जब भी नहाने जाएं आपके पास फ्री टाइम हो उस तरीके से आप लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने हाथ धो लिया तो कितना अच्छे से हाथों पे ग्लो आ गया। इस तरीके से आप काम ले सकते हैं रेमेडी को। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।